दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे दोस्तों को योनो SBI ओपन नहीं हो रहा। जब ओपन हो जाता है तो यह प्रॉब्लम आता है, प्लीज अपग्रेड योर एंड्रॉइड OS टू 9.0 एंड अबव टू कंटिन्यू यूजिंग एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है इस वीडियो में हम जानेंगे, और इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, पहले इस प्रॉब्लम को आप समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ अपग्रेड योर एंड्रॉयड। तो यहाँ पे जो एंड्रॉयड वर्जन की बात किया जा रहा है, जो भी आपके फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन है उसे अपग्रेड करने की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है अगर 9.0 है तो तभी आप योनो SBI को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका 9.0 से कम है एंड्रॉयड वर्जन तो आप योनो और योनो लाइट को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे यह भी लिखा गया है अगर आपके पास में जो है जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास में अगर 9.0 है या इससे ऊपर है 9.0, 9.1 या 10 या 11 तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 9.0 से कम भी रहेगा जैसे 8.9, 7.9 तो आप इस्तेमाल योनो SBI को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है आप चाहे तो इसे अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने का दो ही आपको तरीका है, एक तो सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है, जब आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट करने के लिए आता है तो वहाँ पर अगर आपके फ़ोन में 7 वर्जन चल रहा है एंड्रॉयड वर्जन, उसे अपग्रेड करके 8 वर्जन कर दिया जाता है। यह दोनों के लिए नियम लागू होता है, चाहे योनो SBI हो चाहे योनो लाइट हो। 9.0 से अगर एंड्रॉयड वर्जन आपका कम है तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहीं हमारे पास एक पुराना मोबाइल है, उसमें जो है 5.1.1 का एक एंड्रॉयड वर्जन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने यहाँ पे चेक किया और प्ले स्टोर में गया योनो SBI को इंस्टॉल करना चाहे तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपके डिवाइस के साथ योनो SBI सपोर्ट नहीं कर रहा है। वहीं पे हम योनो लाइट को चेक करते हैं तो वहाँ पे भी बताया जाता है आपका डिवाइस के साथ योनो SBI सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो अभी मेरे पास करंट फ़ोन है वीवो का Z1 Pro है, उसमें 11 वर्जन है। तो उसमें देखिए योनो SBI चल रहे हैं और MPIN डाल के भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहे हैं। इससे आपको घबराना नहीं है, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन में 9.0 या इससे ऊपर का एंड्रॉयड वर्जन फ़ोन नहीं है तो इससे घबराना नहीं है। इसका मैं एक अल्टरनेटिव आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। आपको SBI नेट बैंकिंग का नाम सुना होगा, और SBI नेट बैंकिंग के सहायता से आप जो भी काम करते थे योनो SBI में, मनी ट्रांसफ़र, बिजली बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, ऐसे तमाम काम जो है आप SBI के नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो SBI के नेट बैंकिंग से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी को चेक कर सकते हैं, FD RD बना सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ऐसे तमाम काम जो आप योनो SBI से करते थे सब काम आप जो है SBI के नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। लेकिन SBI का जो नेट बैंकिंग है वो कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.onlinesbi.com। तो इस वेबसाइट का आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपका योनो का यूज़र नेम है वो यहाँ पे इंटर करना है, जो योनो का पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करना है, इसके बाद जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, इसके बाद यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग का होम पेज आ जाएगा। तो इससे जो है मनी ट्रांसफ़र, जो भी तमाम चीज़ें आप योनो SBI से करते थे वो तमाम चीज़ें आप SBI के नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी सॉल्यूशन बता चुका हूँ। अगर आप योनो लाइट योनो SBI इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो आप SBI के नेट बैंकिंग का सहायता ले सकते हैं। तो इस पर अगर आप कहेंगे पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है SBI नेट बैंकिंग को, मैं पूरी डिटेल में एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो वीडियो मेरे चैनल पे होगा मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो व्यक्ति योनो SBI को इस्तेमाल कर पा रहा है या योनो लाइट को इस्तेमाल कर पा रहा है उसके लिए तो अच्छी बात है, जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है उसके लिए तो एक ही ऑप्शन बचा है SBI का नेट बैंकिंग। तो जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कि मनी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, रिचार्ज कैसे करेंगे, बिल पेमेंट कैसे करेंगे SBI के नेट बैंकिंग में, तो आप वो जो है टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस पर हम आपको वीडियो बना के दे देंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इस वीडियो के अंदर में आपको जो भी जानकारी मिला होगा पूरी ऑथेंटिक जानकारी मिला होगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं।